खैरियत? यस सर। आसा नर्वस लग रहे हो? नर्वस? नहीं सर। तुम्हारे माथे पर चमकते हुए पसीने के कतरे तो यही बता रहे हैं भाई। खैर मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, जब भी कोई नया पायलट अहमदाबाद की फ्लाइट पर पहली बार आता है ना, उसकी यही हालत होती है। दरअसल सर वो सुने अहमदाबाद के बारे में तुमने जो भी सुना होगा बहुत कम सुना होगा। वेरी सर अजमताबाद का नाम वालिया रियासत अजमत अमीर कलबी के नाम पर रखा गया सर। उनके इंतकाल को कई बरस गुजर चुके हैं मगर आज भी वो अजमताबाद के वासियों के दिलों में जिंदा है। पढ़े लिखे लगते हो? सर पढ़ता तो बहुत हूँ, लिखता नहीं। लिखने वाले आप हैं ना, अजमताबाद पर कुछ लिखेंगे आप? हाँ, इसीलिए तो आया हूँ। आज वादी में ज्यादा चहल पहल नहीं है, एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है, क्या बात है? सर आज के दिन अजमत अमीर कलबी साहब का इंतकाल हुआ, आज उनकी बरसी है। वैसे आप मायूस ना हो, आज का दिन तो सहों के लिए बहुत बेहतर दिन साबित होता है और आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं, आज के दिन आप उनके सारे खानदान को देख सकेंगे। रियली? और तस्वीरें बना सकूंगे उनकी? क्यों नहीं, और आज आप मागुल बेगम को भी देख सकेंगे। मागुल? मागुल बेगम अजमत अमीर कलबी की बेवा, आजकल रियासत का सारा कंट्रोल उन्हीं के पास है। लड़की कौन है? चश्मान, मागुल बेगम के मरहूम भाई की बेटी चश्मान।
भिजवा रही है, ये कैसी बात हुई? मुझे कोई खास शौक नहीं है तुम्हें अपने पास बिठाए रखने का, लेकिन मैं घर जाके क्या करूंगी, दीवारों से बातें, यहां हवेली में कभी कभी इतने सारे लोग जमा हो जाते हैं, उन्हें कभी मुझे भी बर्दाश्त कर लिया करें, पगली कहेगी। हाँ मुशीर हसन, वो हमारी सहमी सहमी शर्माई शर्माई सी चश्मान नजर नहीं आ रही। उसका नाम आपने रखा था ना चश्मान? हाँ, क्यों क्यों रखा था? उसकी प्यारी प्यारी आंखों की वजह से। ठीक ही रखा था, खूबसूरत आंखों वाली लड़की बहुत शर्माती है दूसरों से आंखें मिलाते हुए, और जहाँ चार लोग जमा हो जाए वहां तो सांस लेने मुश्किल हो जाता है उसका। मुशीर हसन जरा देखिए तो कहाँ है वो। मैं देखता हूँ काकी माँ। हेलो जी, ये फ्लाइट इंक्वायरी है, आप मुझे प्लीज बता देंगे कि इस्लामाबाद से आने वाली फ्लाइट कितने बजे आएगी? जी आ चुकी है जी, शुक्रिया। जमाल और कितनी देर लगेगी? सर आपकी जीप कुछ बोलती ही नहीं, अब ये कुछ बोले तो मैं आपको बताऊं ना। यार ये पहला मौका होगा कि मैं दूसरों के साथ बाबा के मजार पर हाजिरी नहीं दे सकूंगा, और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मामा इस बात पर कितना नाराज होने वाली हैं। सर कौन कौन आ रहा है वहां पे? सभी होंगे सिवाय शानूर के। शानूर? हाँ छोटा भाई है मेरा, मुझे नहीं होता। तो कहां होते हैं ये शानूर? लंदन। कहीं और नजर तो नहीं पड़ गई? ओह नो जेनी, मैं तो बिजनेस के सिलसिले में फिलीपींस गया हुआ था। अच्छा तुम्हें याद है कल मेरी बर्थडे है? ओह हाँ, ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर, हाउ कैन आई फॉरगेट योर बर्थडे। और मुझे तो ये भी याद है कि तुम्हें बहुत से तोहफे चाहिए। भाई बर्थडे तो तुम्हारा कल है, लेकिन घूमने फिरने हम आज जाएंगे। हाउ स्वीट, कम ऑन देन। ओके लेट्स गो।
आ गए तुम? हाँ, मगर ये सब क्या है? एज यूजुअल, चंद तस्वीरें बुता और कुछ हसीनों के खतूत। यार नूर, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे इस होटल का मैनेजर नहीं बल्कि... ओहो यार, ख्वामखा अपना मूड मत खराब कर। यार ये मेरी गर्लफ्रेंड्स की तस्वीरें नहीं हैं, अखबार में ऐड दिया था मैंने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए, उसके जवाब में आई हैं ये तस्वीरें और फॉर्म्स। पर्सनल सेक्रेटरी? और वो सुरिंदर कौर का क्या होगा? कौन सुरिंदर कौर? अच्छा, अब वो कौन हो गई? ओह अच्छा, यार ये बता, तूने कभी देखा है उस सुरिंदर कौर को? तुझसे इतना सुन लिया यार उसके बारे में, क्या अब उसे देखने की जरूरत बाकी नहीं रही? यार मैं तो पता नहीं कैथरीन, शमा, फौजिया और न जाने किस किस के बारे में बोलता रहता हूँ, लेकिन कभी किसी के साथ सीरियस नहीं होता। और अगर मजाक मजाक में कोई लड़की सीरियस हो गई तो? यार मैं भी सोच लूंगा सीरियस होने के बारे में। अरे हाँ यार, मुझे याद ही नहीं रहा, कल जेनी की बर्थडे है। तुम्हें सिर्फ जेनी की बर्थडे ही नहीं भूली, तुम्हें कुछ और भी याद नहीं रहा। और क्या? आज 13 अप्रैल है, तुम्हारे बाबा की बरसी का दिन। ना जाने कितनी बार फोन आ चुका है तुम्हारी मामा का अजबताबाद से। सुन लो, यकीनन तुम्हारी मामा का फोन होगा। हेलो। कौन? नूर। आपका नूर मामा। नूर बेटे, कहाँ हो तुम? वही मामा जहाँ बहुत साल पहले आपने मेरा माथा चूमकर अपनी आंसुओं की धुन में रवाना किया था मुझे। बेटा आज तुम्हारे बाबा की बरसी थी, अब तुम अपनी जिद छोड़ दो और वापस अजमताबाद चले आओ, वो बहुत मिस कर रहा है तुम्हें मेरी तरह। मामा जब आप शागुल लाला के साथ मेरे पास आ जाती हैं तो लंदन भी मेरे लिए अजमताबाद ही बन जाता है। लेकिन अजमताबाद तो तुम्हारे बगैर अजमताबाद नहीं है ना। मामा मैं पहले से ज्यादा मसरूफ हो गया हूँ, हमारे होटल्स की चेन दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। अभी कल ही तो लौटा हूँ मैं मनीला से, जी अपने नए होटल की इनॉग्रेशन करके। आपको वीडियो जरूर भेजूंगा, आप देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। खुश तो मैं तब होंगी जब तुम यहाँ आ जाओगे मेरे पास। यहाँ सारे हैं सिवाय तुम्हारे। अच्छा मामा, अब आप रिश्तेदारों के नाम ना गिनने बैठ जाना प्लीज, मुझे तो बहुत सो की शक्लें भी भूल चुकी हैं। आप प्लीज शागुल लाला को फोन दे, बहुत जी चाह रहा है उनसे बात करने को। सर, एक मिनट। सर आपको पता है हम कितनी देर से मुसलसल पैदल चलते आ रहे हैं। सर आप तो कहते थे बड़ी तरक्की की अजमताबाद ने, एक हद एयरपोर्ट ही बना लिया होता। जमाल बात यह है कि अजमताबाद पर आकर वादी तंग हो जाती है, कोई प्रॉपर लैंडिंग स्पेस नहीं है यहाँ पर। सर सर बेहतर था हम वही सड़क के किनारे रुक जाते, कोई आता जाता लिफ्ट ही दे देता। जमाल आज के दिन अजमताबाद को जाता है ना वहाँ से कोई बाहर निकलता है, बाबा की बरसी वाले दिन लोग सफर नहीं करते यहाँ। कुछ नहीं सर, बात बीच में नहीं छोड़ा करते, सुनने वाले को कोफ्त होती है। सर मैं सोच रहा था कि आप मालिक हैं इस वादी के,
اور یہ ایئر لائن کی نوکری تو آپ بس یوں ہی شوق سے کر رہے ہیں، یہ بتایا تھا نا آپ نے؟ ہاں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دن آپ یہیں اسی وادی میں آ کر سیٹل ہوں گے، عظمت آباد میں؟ نیچرلی سر. ہاں، اٹ مینس کہ آپ شادی بھی یہیں کریں گے عظمت آباد میں؟ میری شادی کے جانے دو یار. سر ہاں سر، اب مجھے کوفت ہو رہی ہے. کیوں؟ آپ نے بات بیچ میں چھوڑ دی ہے، پلیز پوری کریں نا. جلد میں سن کے حیرت ہوگی کہ میں عظمت آباد میں کسی سے بہت پیار کرتا ہوں، اور جس سے میں پیار کرتا ہوں وہ اس وقت حویلی میں میری راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھی ہوگی. ایک بات اور. جی سر. اگر ہم تھوڑی دیر میں حویلی تک نہ پہنچے تو وہ جس سے میں بہت پیار کرتا ہوں وہ پرانی حویلی میں چلی جائے گی. سو وی ریلی ہیو ٹو ہری اپ. یہ میری ماما کا معمول ہے جمال، وہ آج رات دیر تک پرانی حویلی میں بیٹھ کر بابا کی تصویروں کے ساتھ باتیں کریں گی. اور مجھے بابا کے ساتھ ان کی ملاقات میں مخل ہونا اچھا نہیں لگے گا. جس ہجوم میں آپ مجھے چھوڑ گئے تھے امیر قلبی، اس ہجوم میں کئی بار میں بہت اکیلی ہو جاتی ہوں، پھر آپ کو دیکھ لیتی ہوں تو حوصلہ ہو جاتا ہے. بالکل اس طرح جیسے عظمت آباد کے واسیوں کو پہاڑوں سے اترتی ہوئی ہوائیں عطا کرتی ہیں. آپ خوش ہوں گے، جتنی عقیدت ان کے دل میں آپ کے لیے تھی اتنی ہی یہ میری قدر کرتے ہیں. رشتہ داروں میں بھی سلوک قائم ہے. اور مجھے یقین ہے آپ مجھ سے مایوس نہیں ہوں گے. اور آپ کے با اعتماد دوست مشیر غزن، ریاست کے مشیر تو ہیں ہی لیکن میرے ساتھ بالکل بھائیوں کی طرح برتاؤ کرتے ہیں، کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑتے. ارے ہاں، یاد آیا، آج شانور سے بات ہوئی تھی. وہ اپنی دنیا میں اسی طرح مگن ہے اور ضدی بھی ہے جیسے بچپن میں ہوا کرتا تھا. رہی بات شاہ گل کی، اس میں تو آپ کی روح سمائی ہوئی ہے، کاش آپ اسے دیکھ سکتے. چلتا وہ ہے، چاپ آپ کے قدموں کی سنائی دیتی ہے. جب بولتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے کہیں دور سے آپ مجھے پکار رہے ہو. ماما، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن پتہ چلا کہ آپ میری وجہ سے پریشان ہیں اس لیے آ گیا. شاہ گل، تم جانتے ہو میری جان تم میں اٹکی رہتی ہے. ادھر دھن میں تمہارا جہاز ڈولتا ہے، ادھر سینے میں میرا دل ڈوب جاتا ہے. تمہیں آنے میں دیر ہو جاتی ہے تو میری روح عجیب وسوسوں میں گھر جاتی ہے. بیٹا، مزار پہ تو تم حاضری نہیں دے سکے، تم یہی سلام کر لو.
चश्मान, हाँ रात कहाँ खो गई थी? खो गई थी? हाँ हाँ, खोए खोए रहने का शौक तो तुम्हें हमेशा से, मगर मैं कल रात की बात कर रही हूँ। मैं तो छत पर थी मीरा। क्यों? बस नींद नहीं आ रही थी। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही थी, मगर मागुल बेगम वो तो मुझे घर भिजवाने पर तुली हुई थी। तो तुम भी छत पर आ जाती? मेरा बहुत जी चाह रहा था कि मैं किसी से बातें करूं। बस मैं भी घर जाकर दीवारों और दीवारों पर लगी लकीरों से बातें करती रही। खुशकिस्मत हो तुम, कोई तो है जिससे तुम बातें कर सको। बनो मत, कुछ ऐसी अकेली तुम भी नहीं हो। क्यों, कौन था वहाँ? मागुल बेगम जब पुरानी हवेली से वापिस आई तो उनके साथ शाहगुल भी थे। हाँ देखा था। देखा था? छत पर से देखा था। तो फिर आकर मिली क्यों नहीं? शाहगुल बता रहे थे कि इस्लामाबाद वापसी के लिए उन्होंने तुम्हारी भी सीट बुक करवा रखी है। क्यों? मुझे क्या मालूम, मेरा वो हर बार ऐसा करते हैं, हर बार भूल जाते हैं कि क्या भूल जाते हैं? मुझे जहाज के सफर से बहुत डर लगता है। ये बात तो तुम मुझे कई बार बता चुकी हो। मैं मजाक नहीं कर रही, हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती हूँ। ये मुझे ऊंची जगहों से बहुत डर लगता है। ये कैसा खौफ है चश्मान, हमारा तो सारा बचपन ही ऊंचे पहाड़ों में गुजरा है। कुछ है मेरा, कुछ है जो मुझे अंदर से हिला कर रख देता है। शायद बचपन की कोई याद मेरे अंदर आज तक करवटें ले रही है। कुछ है। घर के सब मुलाजिम क्या बीमार हो गए थे अचानक? नहीं खुदा ना खास्ता ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर तुमने क्यों तकलीफ की? कल रात आपने आने में बहुत देर लगा दी, यहाँ सब परेशान थे आपकी वजह से। मैंने तो मामा के अलावा और किसी को परेशान देखा ही नहीं, और वैसे भी सब तो थे ही नहीं जब मैं यहाँ आया। सुनो चश्मान जी, मैं जब भी इस्लामाबाद से आता हूँ तुम्हारे लिए एक सीट जरूर बुक करवाता हूँ। देखो ना, तुम्हें इतने दिन हो गए हैं शहर की तरफ गए हुए, कॉलेज छोड़े हुए कितने साल हो गए तुम्हें? मैं तो कई बार जा चुकी हूँ पप्पी माँ के साथ। हाँ लेकिन मेरे साथ तो नहीं गई ना कभी जहाज पर। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप नाश्ता कर लीजिए प्लीज। चश्मान, are you alright? चश्मान ऐसी है सर्दियों में पहाड़ की चोटी पर उतरने वाली बर्फ की तरह खामोश, और गर्मियों में झरनों में बहते हुए पानियों की तरह गुनगुनाती हुई। उसके मौसम भी अपने हैं और मिजाज भी। मगर हसन बाबा, मुझे लगा वो कुछ ठीक नहीं है। शाम तक ठीक हो जाएगी। शाम तुम सब लोग हमारे यहाँ आ रहे हो, वो सब तुम्हारा इंतजार कर रही है। Thank you.
انٹرویو کے لیے میں مزید ایک دو گھنٹے رک سکتا ہوں مگر میں تو دیکھیں آپ کے بعد یہاں کوئی بھی نہیں آئے گا اور اگر آیا بھی تو میں اس کے لیے بالکل نہیں رکوں گا مونیکا یو کین لیو ناؤ اوکے سر یا پلیز بی کیئرفل ایٹ دی ڈور اینڈ ڈونٹ لیٹ اینی سٹرینجر ان اوکے تھینک یو دیکھیں مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ یہاں انٹرویو دینے نہیں آئیں آپ کسی سے ڈرتے ہوئے بچتے بچاتے یہاں پہنچی ہیں ایم آئی رائٹ دیکھیں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے سیکیورٹی کو الرٹ کر دیا ہے یہاں اب کوئی نہیں آئے گا پلیز ریلیکس کم آن ہیو اے سیٹ لندن نے مجھے یہاں کے لوگوں کی نفسیات کا ماہر بنا دیا ہے میرے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا میں تو یہاں کچھ دیر کے لیے پناہ لینے آئی تھی مجھے معلوم تھا کہ میرا پیچھا کرنے والوں کو یہاں آنے میں مشکل ہوگی اچھا اب میں چلتی ہوں ارے پلیز رکیں میرا نام شاہنور ہے اور آپ کا صوفیہ